और किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी हॉबी है और किसी को इसे इनक्रेज करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ जब विश अपॉन अ टाइम द लेजेंडरी सिमिटायर नामक नॉवेल का लॉन्च हुआ, जिसमें ऑथर की विशेज और रियल वर्ल्ड फैंटेसिस के बारे में भी बताया गया। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में रविवार की शाम उपन्यास विश अपॉन ए टाइम द लेजेंडरी स्किमिटर की लॉन्चिंग हुई, जिसकी खासियत रही उसकी कम उम्र की राइटर रही नबीला जमशेद। दिल्ली के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही 19 वर्षीय नबीला का ये पहला उपन्यास है। जब से किताब लिखनी शुरू की है, इनफैक्ट जब से लिखना शुरू किया है कुछ भी, तब से इसी दिन का इंतजार था, तो इट्स फाइनली हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नबीला का ये नॉवल एक इंसान की फैंटेसीज के बारे में है, एक ऐसी जादुई दुनिया के बारे में जहां इंसान अपने सपनों को साकार होते देखता है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसकी असल जिंदगी से होता है। लॉन्चिंग के मौके पर आए कला जगत के लोगों ने इस नॉवल के लिए नबीला की काफी हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे छोटे उम्र के बच्चे अगर इतने कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी बात है। और बिकॉज लिखना एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, तो कोई एक्चुअली उसको लिख रहा है और वो अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को, कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। नबीला का ये नॉवेल हर उम्र के लोगों की पसंद का विषय है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े या फिर नौजवान। जादुई दुनिया की कहानी हर किसी को आखिर तक बांधे रखती है। प्रीतम दत्ता, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।